Hello students, my name is Ashu and now we are going to solve question number 3 from acid, base and salt chapter. Aur wo kya hai? 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of same solution of NaOH, the amount of HCl, the same solution as before, required to neutralize it will be. So, ये यू बोलना चाह रहा है अपने पास में क्या है? NaOH है, NaOH का solution है और HCl का भी solution है, ठीक है? और ये क्या है? NaOH क्या होता है? एक base और HCl क्या है? एक acid. तो जब acid किसी base के साथ में reaction करता है, तो इस reaction को बोलते हैं अपन acid base neutralization reaction. क्या बोलते हैं अपन? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, अब अगर ये रिएक्शन होती है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो आपके प्रोडक्ट जो बनता है वो एक सॉल्ट बनता है. इस केस में वो सॉल्ट है NaCl, सॉल्ट प्लस वाटर H2, ये वाटर. जब भी कोई बेस किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो डेफिनेटली सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तुम तो HCl के एक मॉलिक्यूल को NaOH के एक मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है. क्या है? HCl का वन मॉलिक्यूल NaOH के एक मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट कर रहा है. इसका मतलब है x मॉलिक्यूल अगर मेरे पास में हुए HCl के, तो मुझे X मॉलिक्यूल NaOH के भी चाहिए. क्यों चाहिए? जैसे मान लो कि HCl के मेरे पास में वन मॉलिक्यूल होता और NaOH के टू मॉलिक्यूल होते, तो लास्ट में क्या होता? NaOH का एक मॉलिक्यूल बच जाता. क्या कहना चाह रहा हूं मैं? NaOH का टू मॉलिक्यूल होते, एक HCl का मॉलिक्यूल होता, तो वन HCl वन NaOH के साथ में रिएक्शन कर लेता, एक NaOH बच जाता, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होती. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ना तो एसिड बचना चाहिए ना बेस बचना चाहिए, ठीक है? अब मुझे बोला गया है कि मेरे पास में 10 ml NaOH का सॉल्यूशन है, तो 10 ml NaOH का सॉल्यूशन कैसे बनाया जाए? मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में 8 ml वाटर ले लिया. कितना? 8 ml वाटर. 8 ml वाटर में मैंने, सॉरी 10 ml, 8 ml नहीं, 10 ml वाटर ले लिया और उसमें x मॉलिक्यूल NaOH के डाल दिया. x मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, ठीक है? अब मैंने दूसरा काम क्या किया? मुझे बोला गया कि 8 ml HCl, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या है? 8 ml HCl. वो कैसे बनाऊं मैं? कंटेनर लिया, 8 ml वाटर ले लिया और x मॉलिक्यूल मैंने HCl के इसमें डाल दिया. x मॉलिक्यूल ऑफ HCl. अब आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि इसके 10 ml है, इसके 8 ml है. वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है. आपके पास में HCl के कितने मॉलिक्यूल हैं और NaOH के कितने मॉलिक्यूल हैं, बस इस पे ध्यान दीजिए. वो दोनों इक्वल होने चाहिए. तो मेरे पास में इस 8 ml सॉल्यूशन में टोटल x मॉलिक्यूल HCl के और x मॉलिक्यूल HCl को कितने मॉलिक्यूल NaOH के चाहिए? x मॉलिक्यूल, ठीक है? तो अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई. अब ये बोल रहा है, अब ये क्या कर रहा है? रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज कर रहा है. ये यू बोल रहा है कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हो गई, अगर मैं क्या करूं, NaOH के 20 ml ले लूं. 20 ml कैसे लिया? इसका जस्ट डबल कर लिया. 10 ml पहले सॉल्यूशन था, अभी जस्ट डबल कर दो.
डबल कर दूंगा, ये कंटेनर में डबल कर दिया मैंने, सॉल्यूशन को 20 ml कर दिया, तो मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 2x मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। अब 2x मॉलिक्यूल NaOH के हो तो मुझे HCl के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, वो भी 2x चाहिए मुझे, और 2x के लिए इसका भी वॉल्यूम जस्ट डबल करना पड़ेगा मुझे, इसका सॉल्यूशन कितना लेना पड़ेगा मुझे, जस्ट डबल, और 8 ml का जस्ट डबल हो गया 16 ml, 8 ml में x मॉलिक्यूल थे, 16 ml में 2x मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और ये 2x इस 2x के इक्वल हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। तो अपन को इसने पूछा है कि HCl का कितना वॉल्यूम लू, HCl का कितना अमाउंट लू, तो वो हो गया 16। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी तरीके का और कर लेते हैं, तो इसमें क्या था, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या, मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इसमें NaOH का वन मॉलिक्यूल है, HCl का वन मॉलिक्यूल है, 1:1 का रेशियो इनका, बट जरूरी नहीं है हमेशा कि 1:1 का रेशियो रहे, जैसे कि CaOH होल ट्वाइस, ये भी एक बेस है, इसकी रिएक्शन मैं करवाने जा रहा हूं, ये बेस है, एक एसिड से करवाने जा रहा हूं, कौन सा एसिड, HCl। अब यहां पर HCl के टू मॉलिक्यूल चाहिए, एक CaOH होल ट्वाइस को रिएक्शन करने के लिए टू HCl की रिक्वायरमेंट है, और ये बनाता है CaCl2 जो कि एक सॉल्ट है, प्लस 2H2O ये वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहां पर रेशियो देखिए, 1:2 का रेशियो, अगर मेरे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वन मॉलिक्यूल है तो मुझे HCl के टू मॉलिक्यूल चाहिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए। अब अगर मेरे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के x मॉलिक्यूल हुए तो मुझे HCl के 2x मॉलिक्यूल चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो कि 1:1 रहे, यहां पर 1:2 है, एक बेस को 2HCl की रिक्वायरमेंट है, और ऐसा भी हो सकता है कि एसिड 1 हो और बेस डबल हो जाए, जैसे कि एक केस देखो, NaOH इज गोइंग टू रिएक्ट विद H2SO4। अब यहां पर बेस डबल चाहिए मुझे और एसिड का वन मॉलिक्यूल चाहिए, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकती है, तो 2:1 का रेशियो। तो रिएक्शन को आपको हैंडल करते टाइम ध्यान रखना है कि वो रेशियो क्या है जिसमें रिएक्शन हो रही है। कैसे पता चलेगा आपको, बेस कितने OH रखता है, बेस के पास में OH कितने, ठीक है, उतने ही H प्लस भी चाहिए, तो बेस के पास में 2OH है तो HCl के कितने मॉलिक्यूल चाहिए मुझे, 2। और अगर एसिड की बात करें तो एसिड में क्या करना है आपको कि कितने H प्लस जनरेट करता है, वो H प्लस कितने बना सकता है, H2SO4 के पास में टोटल 2H है, ठीक है, और उतने ही OH होने चाहिए, तो एक NaOH के पास में 1OH है तो 2NaOH के पास में 2OH माइनस हो जाएंगे। सीधा सा मतलब है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए आपको यह पता करना है, नंबर ऑफ OH माइनस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एच प्लस फ्रॉम एसिड, फ्रॉम बेस, फ्रॉम एसिड, ठीक है। मैं एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी के बेस पर करके बताता हूं आपको, ध्यान क्या रखना है, नंबर ऑफ OH इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच प्लस। तो NaOH जब HCl के साथ में रिएक्शन कर रहा था तो OH भी वन था, HCl में से H भी वन है, तो इसका 1:1 रेशियो लिया मैंने, ठीक है। दूसरा था CaOH होल ट्वाइस, OH कितने हैं मेरे पास में, 2, तो H भी कितने चाहिए, 2, एक HCl 1H प्लस दे सकता है तो मुझे जस्ट डबल करना पड़ेगा, तब ये भी 2OH, 2H प्लस दे पाएगा,
और ये OH माइनस टू दे देता है। अब देखो H प्लस और OH माइनस दोनों इक्वल हो गए यहां पर, ठीक है। तीसरा केस था अपने पास में NaOH प्लस H2SO4। अब H2SO4 कितने H प्लस दे सकता है? 2H प्लस दे सकता है, तो OH माइनस भी कितना होना चाहिए? 2H माइनस होना चाहिए, बट यहां पे तो अपने पास में एक ही OH माइनस है, तो क्या करूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो ये भी 2OH माइनस जनरेट करेगा। अब देखो OH माइनस और H प्लस इक्वल है। एक और केस CaOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4। H2SO4 कितना H प्लस दे सकता है? 2H प्लस दे सकता है, और यहां पे CaOH होल ट्वाइस वो भी 2OH माइनस दे सकता है। इसका मतलब इनका 1:1 का रेशियो रहेगा। इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी और अपना इस क्वेश्चन का आंसर था 16 ml ऑफ HCl। एक बार आप वापस देख लीजिए, ये 16 ml ऑफ HCl। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। ओके, चलो इस क्वेश्चन को अपन यही ओवर करते हैं। गुड बाय।